हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट ऑफ मल्टीप्लायर इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट आरएफ कहान इन्होंने 1931 में दिया था। ये टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। इसकी फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिया है 1931 में आरएफ कान। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उसका नाम था इकोनॉमिक जर्नल, जो 1931 में आया था। और इसमें एक टॉपिक था द रिलेशन ऑफ द होम इन्वेस्टमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट। इस टॉपिक से ही मल्टीप्लायर का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ा था। हम लिख लेते हैं द रिलेशन ऑफ होम इन्वेस्टमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट। आरिफ खान इन्होंने जो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट दिया था, इस कॉन्सेप्ट में बेस प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट और टोटल एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है उसमें डिस्कस किया गया है। इसमें रिलेशन बिटवीन एक तो प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट एंड टोटल एम्प्लॉयमेंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ऐसा बताया गया है। बेसिकली इनको यही कहना है कि अगर किसी जगह एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया जाए तो उससे और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे, उस फर्म की इन्वेस्टमेंट बढ़ के उसमें इनकम की बढ़ोतरी होगी और इससे ज़्यादा और एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे वर्क कर पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को नो अस एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर भी कहा जाता है। इसके बाद प्रोफेसर केन्स ने एक कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। आरएफ केन के जो रिलेटेड था एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर था, और केन्स ने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इस नाम से इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। अब हम केन्स के बारे में पढ़ेंगे। केन्स ने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया और उसे नाम दिया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और इसे दूसरे एक नाम से पहचाना जाता है नो अल्सो अस इनकम मल्टीप्लायर। अगर आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में और इनकम मल्टीप्लायर, ये दोनों में के बारे में सेम कहा गया है, दोनों का एक ही काम है। केन्स ने अपने इस थ्योरी में ये कहा है कि अगर किसी रुके हुए या थमे हुए नेशनल इनकम को बूस्ट करना है तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को
बूस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर को कैसे हम कोड दे देंगे, तो यहाँ पे के अगर किसी कंट्री की इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा तो वो चेंज उसके इनकम से रिलेटेड करेगा, तो हम मल्टीप्लायर इस तरह से निकालेंगे। सपोज इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ है और 2 करोड़ है तो इनकम 4 करोड़ हो गया, तो ये मल्टीप्लायर 2 होगा। मतलब इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से इन्वेस्ट किया गया तो उसका मल्टीप्लायर कई गुनों से उसका फोल्ड होगा, तो वो कितने 2 से होगा, 3 से होगा, जितने मल्टीप्लायर होगा उससे उसकी इनकम बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे के 2 हो गया, यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ किए, उसके 2 फोल्ड से इनकम हुआ इन्वेस्टमेंट से, तो हमारा के यहाँ पे 2 है। बेसिकली केन्स को कहना है कि अगर हमारी इनकम है वो इनकम एक्सपेंडिटीचर, हम यहाँ पे ई से नॉमिनेट करेंगे, ई मीन्स एक्सपेंडिचर, हमारी जितनी इनकम है उतनी ही हमारी हमारा खर्च है, तो यहाँ पे ई इक्वल सी प्लस आई, इनकम इट्स इक्वल सी प्लस आई। इन्हें यहाँ यह कहना है कि अगर हमारा एक्सपेंडिचर किससे इक्वल है, हमारा कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, मतलब इनकम जो हमारी है वो इक्वल रहेगी कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेविंग जो है वो कन्वर्ट होगा इन्वेस्टमेंट में, जो हमारी पूंजी है वो पूंजी हमें इन्वेस्ट करनी है, इन्वेस्ट में जाएगी, क्योंकि हमारी कंट्री को बूस्ट करना है, इनकम में बढ़ोतरी देनी है, तो हमारे पास जो सेविंग है वो सेविंग इन्वेस्टमेंट के रूप से आएगी, कन्वर्ट होगी, और वो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। अगर यहाँ पे डेल्टा इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा तो इनकम में चेंज आएगा, इनकम में चेंज आने से डेल्टा कंजप्शन कंजप्शन पे चेंज आएगा, उससे हमारे डिमांड में चेंज आएगा, और डिमांड के चेंज आने से हमारे एम्प्लॉयमेंट में चेंज आएगा, फिर एम्प्लॉयमेंट में चेंज आने से फिर हमारे सॉरी हमारे इनकम में चेंज आएगा, मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से फिर ये सर्कल घूमते जाएगा, इन्वेस्टमेंट से इनकम में चेंज, इनकम से कंजप्शन, कंजप्शन से डिमांड, डिमांड से एम्प्लॉयमेंट, ऐसा सर्कल घूमते घूमते जाएगा, फिर हमारे इन्वेस्टमेंट इनकम में बढ़ती आएगी। यहाँ पे जब एमपीसी, एमपीसी मतलब उस इनकम में से खर्च हुआ हुआ अमाउंट, एमपीसी अगर 0 है, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर 0 है, देन हमारा मल्टीप्लायर 1 होगा, एंड जब हमारा एमपीसी, हमारा एमपीसी 1 होगा तो हमारा मल्टीप्लायर इन्फिनिटी, मतलब उस कई गुना उसमें फोल्ड आके हमारा चेंज होते रहेगा पॉजिटिवली, ऐसा कहा गया है। वैसे केन्स ने कहा है कि ये जो मल्टीप्लायर है वो कैसे चेंज आएगा, हमारे इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से हमारे इनकम में चेंज आएगा। वैसे तो हम एमपीसी
एमपीसी से हमें चेंज कैसे आएगा, हमारे इनकम में चेंज आने से हमारे कंजेशन पे चेंज आएगा। इन केस हमें मल्टीप्लायर दिया हुआ है, किसी केस में मल्टीप्लायर इज गिवन, तो इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया ये हमें पता चलेगा। वी विल नो अल्सो अब हम डिफरेंस बिटवीन द एमपीसी एंड एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसमें जो डिफरेंट है वो देखेंगे और ये डिफरेंट मल्टीप्लायर के साथ कैसे रिलेट करता है वो देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीसी। इसमें जो रिलेशनशिप है वो है पॉजिटिव, या उसे डायरेक्ट डायरेक्ट ही कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एमपीसी अगर बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर ही बढ़ेगा, अगर यहाँ पे एमपीसी घटेगा तो मल्टीप्लायर ही घटेगा। और ये एमपीसी ये ज़ीरो से कम, ज़ीरो से ज़्यादा, एक से कम हमेशा रहता है। सेकंड रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीएस, इसमें जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रहेगा, इसे इनडायरेक्टली कहा जाएगा, जो डायरेक्टली इम्पैक्ट न करते इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। यहाँ पे एमपीएस अगर बढ़ा तो मल्टीप्लायर घटेगा, यहाँ पे एमपीएस घटा तो यहाँ पे मल्टीप्लायर बढ़ेगा। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये जो खर्च करने की जो कैपेसिटी है और ये सेव करने की कैपेसिटी है, अगर मल्टीप्लायर बूस्ट देगा, इन्वेस्टमेंट से बूस्ट होगा तो इनकम में बढ़ोतरी होगी, अगर इनकम में बढ़ोतरी होने से अगर खर्च जी कैपेसिटी है वो बढ़ती है तो उसको रिलेट करेगा पॉजिटिव मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर ही बढ़ेगा। इसके अपोजिट अगर एमपीएससी सेव, अगर इनकम बढ़ती है तो इनकम से कंजम्पशन और सेविंग दो पार्ट में बटेंगे और उसमें सेविंग बढ़ती जाएगी, सेविंग बढ़ने से मल्टीप्लायर घटेगा, सेविंग में बढ़ोतरी होने से मल्टीप्लायर में कटौती आएगी। यहाँ पे जो एमपीसी प्लस एमपीएस इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा वन होगी। और जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू हमेशा वन डिवाइडेड वन माइनस एमपीसी होगा। और जो ये के है मल्टीप्लायर, उसकी वैल्यू ऑफ मैक्सिमम मैक्सिमम इन्फिनिट रहेगी और के की वैल्यू मिनिमम एक होगी, एक से कम नहीं होगी। यहाँ पे हम एक टेबल के साथ इसे एक्सप्लेन करेंगे।
इंसान की एक फर्म या किसी इंसान की इनकम कैसे होती है, कंजप्शन प्लस सेविंग। मतलब जो इनकम आएगी वो इनकम कंजप्शन और सेविंग में दोनों में डिवाइडेड होगी, जो इनके दोनों की टोटल मिला के इनकम होगी। तो यहाँ पे हम यहाँ पे समझते हैं कि उसका कंजप्शन ये 80% है और सेविंग 20% है, तो MPC 0.8 और MPS ये 0.2। अगर ये हमने मेंशन कर लिया तो हम ये टेबल आराम से समझ जाएंगे। फर्स्ट राउंड में इन्वेस्टमेंट 100% होती है तो उसमें इनकम ही 100% आएगा, तो उसके में जो कंजप्शन होगा 80% और सेविंग 20%। फिर उसी तरह से जो यहाँ से जो कंजप्शन हुआ वो फिर से इस टाइम पे आएगा सेकेंड राउंड में, यहाँ पे इनकम 80%, वही परसेंट कंजप्शन उसमें से 80% 64 कंजप्शन हुआ और सेविंग 20% 60। वैसे ही थर्ड राउंड में वही यहाँ से कंजप्शन 64 इनकम हो गया यहाँ पे, और वहाँ से 51.2 कंजप्शन, 12.8 सेविंग, फिर यहाँ से कंजप्शन यहाँ पे उसका इनकम होगा फोर्थ राउंड में 51.2 उसका इनकम, उसमें से 80% 41 कंजप्शन और उसमें सेविंग 10.2। फिर वहाँ से कंजप्शन फिफ्थ राउंड के लिए 41 होगा, उसमें से 80% 32.8 कंजप्शन, 20% 8.20। फिर सिक्स राउंड में ऊपर से 32.8 उसका इनकम होगा और कंजप्शन 26, सेविंग 20% 6.80। फिर सेवेंथ राउंड में ऊपर से जो इसका कंजप्शन है वहाँ उसका दूसरे का इनकम होगा उसका 26, कंजप्शन 80% 20.8, सेविंग 5.20। अगर यहाँ से हम उसकी टोटल करेंगे तो ये टोटल टोटल इन्वेस्टमेंट 100%, यहाँ पे इनकम 500 हुआ, कंजप्शन 400, सेविंग 100 हुआ। मतलब डेल्टा इन्वेस्टमेंट हमारी तो है 100, सो इन्वेस्टमेंट को हमने इनकम से मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लायर होने से इनकम होगी 500। और ये 500 कैसे आई, ये डेल्टा कंजप्शन प्लस डेल्टा सेविंग इन दोनों की टोटल डेल्टा हुआ है। ये कंजप्शन हुआ 400 प्लस 100 इज इक्वल 500, तो 500 और इन्वेस्टमेंट, ये हो गया इन्वेस्टमेंट डेल्टा, इन्वेस्टमेंट डेल्टा वाई इनकम, तो ये हो गया फाइव। ये फाइव फोल्ड से मल्टीप्लाई हुआ तो के हमारा फाइव, यहाँ पे हमारा मल्टीप्लायर फाइव आ गया। अब हम इसे दूसरी तरह सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दो फॉर्मूला है, दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे के इक्वल डेल्टा वाई डेल्टा आई, तो यहाँ पे हमारा 500 हो गया, यहाँ पे 100, तो के हमारा 5। दूसरी मेथड से अगर सॉल्व कर, 1 माइनस हमने MPC यहाँ पे लिया था 0.8, 0.8, तो के हमारा 1 डिवाइडेड 0.2, तो के हमारा आ गया 5। हम दोनों तरफ से दोनों मेथड यूज़ करके देखें तो हमारा मल्टीप्लायर आ गया 5।
अब हम इसके फीचर्स देखते हैं। पहला है एग्रीगेट डिमांड कॉस्ट मल्टीप्लायर इफेक्ट। एग्रीगेट डिमांड मतलब एडी क्यों होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट। एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट होने से बढ़ोतरी होगी और इनकम बढ़ेगा। दूसरा है वर्क इन द बोथ डायरेक्शन, एक फॉरवर्ड होगा और एक बैकवर्ड होगा। वर्क्स इन बोथ डायरेक्शन, फर्स्ट है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम ही बढ़ेगी। सेकेंड है बैकवर्ड, बैकवर्ड में है अगर इन्वेस्टमेंट घटेगी तो इनकम ही घटेगी। इसमें थर्ड पॉइंट है इनवर्स रिलेशन बिटवीन द एमपीएस एंड मल्टीप्लायर, इनवर्स रिलेशन शिप बिटवीन एमपीएस एंड मल्टीप्लायर। मतलब के इज इक्वल वन एमपीएस, मतलब एमपीएस बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर घटेगा, एमपीएस घटेगा तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा। फोर्थ है साइज ऑफ मल्टीप्लायर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एमपीसी, साइज ऑफ मल्टीप्लायर डिपेंड ऑन साइज ऑफ एमपीसी। मीन्स एमपीसी जितना बढ़ेगा के बराबर इज इक्वल एमपीसी जो उसका डायरेक्ट रिलेशन है, इसका इनवर्स है, इसका डायरेक्ट है। इसमें कहा गया है कि एमपीसी अगर बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर ही बढ़ेगा, एमपीसी घटेगा तो मल्टीप्लायर ही घटेगा। इसमें फिफ्थ है साइज ऑफ मल्टीप्लायर रिड्यूस द प्रोपोर्शंस टू लीकेज टू द फ्लो ऑफ इनकम। अगर मल्टीप्लायर में रिड्यूस होता है तो उसका रीज़न है लीकेज। साइज ऑफ मल्टीप्लायर रेड्यूस पोशंस टू लीकेज टू फ्लो ऑफ इनकम। सिक्स है मल्टीप्लायर इफेक्ट कैन ऑपरेट कंटिन्यूसली। अगर कंटिन्यूसली मल्टीप्लायर बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट करना है। मल्टीप्लायर इफेक्ट कैन ऑपरेट कंटिन्यूसली। अब हम एनालाइज ऑफ द मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ेंगे। उसमें दो पॉइंट है, वो एक है कंपैरेटिव स्टैटिक एनालाइज बाय केन्स और दूसरा है डायनामिक एनालाइज बाय अदर इकोनॉमिक्स। तो पहला है कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस ये दिया था केन्स, इसमें दो पॉइंट बताए जो पीछे अभी बताए हमने, फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा। सेकंड है बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर।
इसमें इन्वेस्टमेंट घटेगा तो इनकम भी घटेगा। सेकंड है डायनामिक एनालिसिस, ये दिए थे अदर इकोनॉमिक्स। केन्स ने दिया हुआ कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस पे अदर इकोनॉमिक्स ने क्रिटिस किए और उन्हें ये जो थ्योरी दी थी वो पसंद नहीं आई और उसमें कुछ कमियां है ये कह के डायनामिक एनालाइज किया है। इसमें अजम्पशन हम देख लेते हैं जो डायनामिक एनालाइज में किए गए हैं। अजम्पशन ये डायनामिक एनालाइज के हैं, इसमें बताया गया है कि करंटली जो कंज्यूम पर्सन कर रहा है वो फंक्शन है गए साल के इनकम पे डिपेंड है, मतलब सी टी फंक्शन वाई टी माइनस वन। इसमें कहा गया है कि अभी जो पर्सन कंजप्शन कर रहा है वो गए साल के इनकम पे डिपेंड होगा, और दूसरा कहा है कि अभी का जो इनकम है वो फंक्शन है लास्ट ईयर के इन्वेस्टमेंट का, मतलब अभी जो इनकम उसके हैंड में है वो गए साल के इन्वेस्टमेंट से मिला हुआ है, ऐसा डायनामिक एनालाइज अदर इकोनॉमिक्स में जो उन्होंने अपनी सोच दी है वो यहाँ पे अजम्पशन पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम डिटेल में नहीं देखेंगे। आगे हम इसके अजम्पशन पे देखते हैं जो मल्टीप्लायर है हमारा Assumptions, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल देता है कोई भी थ्योरी के लिए। यहाँ पे पहली बात तो कहा गया है कि क्लोज इकोनॉमी है, दूसरा कहा है कांस्टेंट एमपीसी रहेगा, एमपीसी में चेंज नहीं होगा वो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट एमपीसी। तीसरा कहा है मल्टीप्लायर पीरियड इज एब्सेंट, मतलब हम लिख लेते पहले मल्टीप्लायर पीरियड इज एब्सेंट। यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जो मल्टीप्लायर जो इफेक्ट करेगा वो कब होगा वो बताया नहीं गया है, वो कभी भी कर सकता है। फोर्थ है मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी रिमेन स्टेबल, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। रिमेन स्टेबल, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी में। फिफ्थ है एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट इन द इकोनॉमिक सिस्टम, एग्जिट पॉलिसी कैपेसिटी जो है वो एग्जिट करेगी इकोनॉमिक सिस्टम में, एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट इन इकोनॉमिक्स सिस्टम। सिक्स्थ है देयर शुड बी नेट इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आएगी वो नेट रहेगी, देयर शुड बी नेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। सेवेंथ है कंज्यूमर गुड्स आर अवेलेबल सफिशियंट क्वांटिटीज, जो क्वांटिटी में बड़े मात्रा में कंज्यूमर गुड्स अवेलेबल होंगे, कंज्यूमर्स गुड्स आर अवेलेबल सफिशियंट क्वांटिटीज। एट है मैकेनिकल रिलेशनशिप इन द मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर में
ऐसा कहा गया है कि अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा, उससे रिलेट इनकम में चेंज आएगा, उससे फिर इनकम से कंजप्शन पे चेंज आएगा, फिर किसी का इनकम में बढ़ेगा, फिर किसी के कंजप्शन पे बढ़ोतरी होगी। ऐसे एक चेन जो है वो मैकेनिकल रिलेशनशिप बताएगा, मैकेनिकल रिलेशन शिप इन के। नाइन्थ है इक्वलिटी बिटवीन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इक्वलिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। टेंथ है रिलेशनशिप बिटवीन द कंजप्शन एंड इनकम, बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। और इलेवेंथ है इन्वेस्टमेंट इज़ द बिग फैक्टर इन मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट को बहुत बड़ा रोल यहाँ पे केन्स ने दिया है। इन्वेस्टमेंट इज बिगेस्ट फैक्टर इन मल्टीप्लायर। डायग्राम में हम मल्टीप्लायर वर्क किसे करता है ये देखने वाले हैं। एक्स पे इनकम और वाई पे कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। और ये जो 45 सेल्सियस की जो लाइन है वो है इनकम। सपोज़ हमारी कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट ये इनकम से यहाँ पे इंटरसेक्शन होती है, तो यहाँ पे ई पॉइंट हमें मिल जाता है और यहाँ पे हमें इनकम वाई वन और कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट हमें हम एम देते हैं। एम ये लाइन पे हमें हमारा कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट ये लाइन हमें मिल जाती है। अगर इन केस इन्वेस्टमेंट में बूस्टर आता है तो वो बूस्टर से यहाँ पे डेल्टा वाई, यहाँ पे डेल्टा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से यहाँ पे इनकम में चेंज आ रहा है। यहाँ पे जो डिफरेंस और यहाँ से जो डिफरेंस है इसमें बहुत फ़र्क है। ये जो फ़र्क है वही हमें बताता है कि अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर चेंज करेगा, अगर दो दो पस दो गुना होगा, टू फोल्ड्स होगा, तो यहाँ पे इनकम बढ़ेगा। तो यहाँ से हमारा कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट ऊपर की साइड जाएगा, जो इनकम और कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट की सेकेंड लाइन जो M1 है वो E1 में इंटरसेक्शन करेंगे और हमारा मल्टीप्लायर काम करेगा। इन केस ये इन्वर्स होगा तो कैसे वर्क करेगा? जैसे ये तो हो गया अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो मल्टीप्लायर काम करेगा। अब हम देखेंगे अगर इन्वेस्टमेंट घटा तो मल्टीप्लायर ही घटेगा। वैसे ही है हमने अपोजिट लाइन में इन्वर्स होगा अगर मल्टीप्लायर, यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट ये है सेकंड, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो मल्टीप्लायर ही बढ़ेगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट घटेगा तो मल्टीप्लायर ही घटेगा। अगर हम समझते हैं कि हमारी पोजीशन ये लाइन में है, हमारी ये इनकम और यहाँ पे कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट की लाइन यहाँ पे हमें इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे अगर चेंज आता है और वो नेगेटिव टू में आएगा तो इन्वेस्टमेंट घटेगा। यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट घट रहा है तो यहाँ पे हमारा इनकम ही घटेगा। सो यहाँ पे हमारा इनकम वाई वन से वाई टू तक जाएगा और हमारा कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट ये लाइन नीचे आएगी और यहाँ पे हमारा सी प्लस आई
वन हो जाएगा। यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ मल्टीप्लायर इन इकोनॉमिक्स में कितने टाइप होते हैं वो देखेंगे। पहला है एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, सेकेंड है प्राइस मल्टीप्लायर, थर्ड है कंजप्शन मल्टीप्लायर, फोर्थ है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, फिफ्थ है टैक्स मल्टीप्लायर, सिक्स है ट्रांसफर पेमेंट मल्टीप्लायर, सेवन्थ है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, इसे BBMB कहते हैं इन शॉर्ट, एट है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, अब हम देखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ द मल्टीप्लायर ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मतलब यहाँ से कैलकुलेट कैसे करेंगे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कैलकुलेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये तो है के इज इक्वल वन अप्लिक प्रोपेंसी प्लस टी प्लस इम, इम मीन्स इम्पोर्टेंट इम्पोर्ट, एस सेविंग टी टैक्स इम्पोर्ट, इन तीन चीज माइनस करने के बाद मल्टीप्लायर जो है वो रिमेन है। यहाँ पे एस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, सेकेंड है टी मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स ऑन इनकम इंपोर्ट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पे सेविंग करने से मल्टीप्लायर पे इफेक्ट होता है, टैक्स गवर्नमेंट को जाने से मल्टीप्लायर में इफेक्ट होगा, और इंपोर्ट करने से होम गुड्स यूज और सर्विस नहीं करने से हम फॉरेन से इंपोर्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लायर पे इफेक्ट करेगा। यहाँ पे सम ऑफ इन तीनों की कैलकुलेशन होके वन डिवाइडेड इन तीनों चीज़ करेंगे तो हमें जो मल्टीप्लायर के लिए जो रहेगा वो हमें वहाँ से बूस्ट मिलेगा इनकम के लिए। मल्टीप्लायर के लीकेजेस क्या क्या है वो देखेंगे, जिससे उसकी लिमिट पे कंट्रोल आता है। एक तो आता है आइडल सेविंग, जो सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिए काम आ सकती है उसे बिना वजह सेविंग करके रखेंगे तो उसका यूज़ नहीं होगा। परचेस एंड शेयर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, परचेस परचेस एंड शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बॉन्ड्स वगैरह खरीदने से
जो प्रोडक्टिव नहीं है उसके यूज़ करेंगे, उसे खरीदेंगे तो उसे बूस्ट नहीं मिलेगा मल्टीप्लायर को। थर्ड है पेइंग ऑफ द ओल्ड डेबिट, जो पुराने कर्जे हैं वही हम देते रहे हैं करंट ईयर में भी, तो उससे भी हमारी इनकम को बूस्ट नहीं मिलेगा, उसे कहेंगे पेइंग ऑफ ओल्ड डेब्ट्स। फोर्थ है इम्पोर्ट्स, बाहर से अगर कोई हम चीज़ खरीद रहे हैं, हम कंट्री की चीज़ें नहीं लेके फॉरेन कंट्री की चीज़ें लेंगे तो उससे हमारी जो करेंसी है फॉरेन कंट्री में जाएगी, उसका वैल्यू, उसकी इनकम फॉरेन कंट्री को मिलेगी। फिफ्थ है एक्सेस स्टॉक ऑफ द कंजप्शन गुड्स, स्टॉक ऑफ कंजप्शन। बिना वजह कोई चीज़ कंज्यूम करने के लिए स्टॉक बल्क में रखेंगे तो उससे उस इनकम को इफेक्ट होगा और उसकी ज़रूरतें सबको नहीं मिलेगी। सिक्स्थ है हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस, हर किसी को लिक्विडिटी प्रेफरेंस करने की इच्छा होती है, वो करेंसी में होती है और उसे लिक्विडिटी प्रेफरेंस करने की से भी लीकेजेस मल्टीप्लायर को भुगतना पड़ता है। सिक्स है हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस, जो बिना वजह लिक्विडिटी को यूज़ करने के लिए रहते हैं। सेवेंथ है प्राइस इन्फ्लेशन, किसी गुड्स या सर्विस की प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन और महंगा हो जाता है, जिससे मल्टीप्लायर पे लीकेजेस आ सकता है। एट है टैक्सेशन, टैक्सेशन सिस्टम, गवर्नमेंट को टैक्स देने से वो मल्टीप्लायर, जो परचेसिंग पावर कम होती है। नाइन्थ है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। बड़े बड़े फर्म में जो प्रॉफिट होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल लेवल पे ना होके कुछ परसेंटेज में वर्कर को उनका मुनाफा दिया जाता है, जिससे उसका डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है और ये मल्टीप्लायर पे इफेक्ट करता है। टेंथ है इंक्रीज इन एमपीएस, सेविंग में बढ़ोतरी होने से मल्टीप्लायर घटता है। और इलेवेंथ है इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ने से आदमी को एमपीसी पे इफेक्ट होता है, जो परचेज करने के लिए इफेक्ट होगा और उससे उसे घटोती होगी। अब हम लिमिटेशन देखेंगे मल्टीप्लायर के, जिसमें पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर गुड्स, हर समय किसी भी समय पे मल्टीप्लायर से अवेलेबल नहीं होगा कोई भी गुड्स। अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। सेकेंड है मल्टीप्लायर पीरियड, मल्टीप्लायर कब इफेक्ट करेगा इनकम पर, ये कोई भी क्लियर कॉन्सेप्ट दिया नहीं गया है। मल्टीप्लायर पीरियड। थर्ड है लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर मल्टीप्लायर काम करना है तो ऐसा समझा गया है कि उसका एम्प्लॉयमेंट लेवल लेस हो, लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। वो फुल एम्प्लॉयमेंट से लेस हो। फोर्थ है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस
इन्वेस्टमेंट, किसी इन्वेस्टमेंट को कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अगर कितना हो रहा है, कम में हो रहा है, ज़्यादा में हो रहा है इन्वेस्टमेंट, इस पे कोई लिमिटेशन नहीं है, जो ये खुद में एक लिमिटेशन है। फिफ्थ है क्लोज इकोनॉमी। जो पॉसिबल नहीं है। सिक्स्थ है कांस्टेंट एमपीसी। एमपीसी। सेवन्थ है इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमी। ये सिर्फ यही फील्ड में इकोनॉमी इफेक्ट करेगी, अदर कोई इकोनॉमी में नहीं करेगी। एक लिमिट होती है। एट है सरप्लस कैपेसिटी इन द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। सरप्लस कैपेसिटी इन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। इसमें सरप्लस कैपेसिटी बताया गया है कंज्यूमर का गुड्स इंडस्ट्री में। नाइन्थ है अवेलेबिलिटी ऑफ अदर रिसोर्सेस ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए और भी सोर्सेस है जो अवेलेबल रहेंगे, ये इसकी लिमिटेशन बताई गई है। ऑफ अदर रिसोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, जो कोई भी प्रोडक्शन के फंक्शन फैक्टर है वो कभी भी अवेलेबल हो सकते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। टेंथ है नो चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन। नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे कोई फर्म होल्डर कर रहा है वही हिसाब से करेगा, जो अनइक्वलिटी होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नो चेंज। इलेवन है नो चेंज इन इनकम, ये तो सेम हो गया। एक्सेलरेशन पे इफेक्ट इग्नोर किया गया है। एक्सेलरेशन इफेक्ट जो इग्नोर किया है। इग्नोर किया गया है। ट्वेल्थ है स्टेडी फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में कंसिस्टेंसी, इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, उसमें कोई भी ब्रेक देना नहीं पड़ेगा, जो मल्टीप्लायर को इफेक्ट करेगी। स्टेडी फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है नेट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। थर्ड है नेट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है नेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। नेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट और लास्ट है नो चेंज इन प्राइस। प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगी, जो प्राइस है वही कंटिन्यूसली रहेगी। नो चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके इम्पोर्टेंस इसमें। फर्स्ट है इनकम जनरेटर। इसमें फर्स्ट है इनकम
जनरेटर। इन्वेस्टमेंट में बूस्ट आने से मल्टीप्लायर और कई गुना इनकम को आगे लेके जाएगा, जो एक जनरेट करेगा इनकम को। इसके इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकंड है इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को इम्पोर्टेंट दिया गया है। इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, थर्ड है ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल। ट्रेड को सर्कुलर में लाने के लिए इन्वेस्ट में बहुत अहम रोल निभाता है। फोर्थ है फुल एम्प्लॉयमेंट। इन्वेस्टमेंट बूस्ट देने से फुल एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो किसी भी नेशन के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट बहुत ही अहम रोल निभाता है। फिफ्थ है इक्वलिब्रियम बिटवीन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इससे सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के सेम हो जाते हैं। इक्वलिब्रियम बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सिक्स है डिफिसिट फाइनेंसिंग। डिफिसिट फाइनेंसिंग जो सैमुएलसन ने बताया है कि किसी भी कंट्री की जो डिफिसिट है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए डिफिसिट फाइनेंसिंग बजट में करना बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। सेवन्थ है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अगर गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ जो लोन लेगी वो लोन पब्लिक इन्वेस्टमेंट में करेगी, जिससे लोगों को नौकरी मिलेगी, उनसे उनको इनकम मिलेगा। इट है इन्फ्लेक्शन एंड डिफ्लेक्शन। गवर्नमेंट किसी चीज़ को कंट्रोल में लाने के लिए इन्फ्लेशन करेगी और किसी को बढ़ावा देने के लिए डिफ्लेशन करेगी। नाइन्थ है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जो इस बूस्टर पर कंट्रोल रखने के लिए गवर्नमेंट बहुत अहम रोल निभाएगा। टेंथ है सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। ऐसे सिचुएशन में लोगों को नौकरी मिलने के लिए, जॉब क्रिएट करने के लिए ये बूस्टर बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, जो मल्टीप्लायर के रोल में निभाएगा। सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स। और लास्ट, इस केन्स के थ्योरी पर बहुत इकोनॉमिक्स ने क्रिटिक्स किए हैं, जो कह रहे हैं कि ये रियल सिचुएशन से मिलता जुलता नहीं है। और इसमें पहला है नो मैकेनिकल रिलेशनशिप। उन्होंने कहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट से बूस्ट मिलता है तो उसको कब मिलेगा और कैसे, कितना लॉन्ग पीरियड रहेगा इनकम को कई गुना होने के लिए। जो किसी का कनेक्शन किसी के साथ कब होगा वो बताया नहीं गया है। मैकेनिकल रिलेशनशिप। सेकेंड है इक्वलिटी बिटवीन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो इक्वल बताया गया है वो रियल फैक्ट में नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट एक अलग बात होगी, जो लोग प्रिफर करेंगे सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा। नॉट पॉसिबल
सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट। थर्ड है टूटोलॉजिकल, जो बार बार वही कॉन्सेप्ट रिपीट होता रहा है इन्वेस्टमेंट्स को लेके, टूटोलॉजिकल। फोर्थ है रिलेशन बिटवीन द कंजप्शन एंड इनकम, इनकम और कंजप्शन जो रिलेशन बताया गया है बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, जो इनकम से कंजप्शन होगा और वो कंजप्शन में जो सेविंग है वो सेविंग होगा इन्वेस्टमेंट में, जो पॉसिबल नहीं, हर टाइम नहीं पॉसिबल हो सकता, नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। फिफ्थ है एक्सेलेरेशन, एक्सेलेटर पे इग्नोर किया गया है, यहाँ पे उसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। एक्सेलेरेशन इग्नोर किया गया है टोटली। सिक्स है अननेसेसरी इम्पोर्टेंट टू डिफिशिट फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग डिफिसिट फाइनेंसिंग का यहाँ पे कोई भी रोल हर समय नहीं हो सकता, जो बूस्ट के लिए और उसका कनेक्शन इन्वेस्टमेंट से होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा अदर इकोनॉमिक्स का कहना है। सेवन है प्रैक्टिकल डिफेक्ट, इसमें इम्पोर्टेंट दिया गया इन्वेस्टमेंट को जो इम्प्रैक्टिकली लगता है। एट है कंप्लीट इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्शन फैक्टर, हर समय कोई भी प्रोडक्शन फैक्टर अवेलेबल होगा ऐसा अज्यूम किया गया है, जो पॉसिबल नहीं है। कंप्लीट इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर विल नॉट अवेलेबल एवरी टाइम। नाइन्थ है कॉन्स्टेंट एमपीसी, जो हर समय समय के साथ बदलता रहता है, कितना कंजप्शन होगा, कितना कंजप्शन कम होगा या ज़्यादा होगा, हर समय वो इनकम पे डिपेंड रहेगा और वो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी नॉट स्टेबल मूवमेंट, जो हर समय मूवमेंट पे स्टेबल नहीं होगा, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज नॉट विल स्टेबल एवरी मूवमेंट। इलेवेंथ है एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट इन द इकोनॉमिक सिस्टम नॉट पॉसिबल, एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट इन इकोनॉमिक सिस्टम नॉट पॉसिबल। एवरी टाइम। ट्वेल्थ है क्लोज इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी हर समय नहीं होगी। थर्टीन है नेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ऑफ
मल्टीप्लायर नॉट पॉसिबल एवरी टाइम, फोर्टीन है, कंज्यूमर गुड्स आर अवेलेबल इन द सफिशियंट क्वांटिटीज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम, हर समय तो सफिशियंटली क्वांटिटी तो अवेलेबल नहीं रहेगी कंज्यूमर गुड्स। फिफ्टीन है, इट्स नॉट गिवन टू मच इम्पोर्टेंट टू कंजप्शन, इट्स गिवन टू मच इम्पोर्टेंट टू कंजप्शन, कंजप्शन को खूब ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट दिया गया है, केन्स ने दिया गया है। और आगे है नो एम्पिरिकल एविडेंस, ये कैसे वर्क करेगा मल्टीप्लायर, इसका कोई एविडेंस दिया नहीं है, पर ऐसा कहा जाता है कि केन्स ने अपने अनुभव एक्सपीरियंस से ये थ्योरी दी है। नो एम्पिरिकल एविडेंस, इट्स टाइमलेस फेनोमेनन, मल्टीप्लायर कब वर्क करेगा, कितना समय लेगा, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं गया है। और लास्ट है इस स्टैटिक फेनोमेनन, ये कुछ फ्री नहीं है, इसे कोई लिमिटेशन देने के साथ ही इसे वर्क किया जाएगा जो आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। इन केस हम अगर सोचें कि मल्टीप्लायर पब्लिक इन्वेस्टमेंट में अगर काम करेगा तो उसके क्या पॉजिटिव रहेगी, एक तो होगा वेयर एमपीसी इज मोर, एमपीसी बढ़ता जाएगा, सेकंड है मल्टीप्लायर इफेक्ट इज मैक्सिमम, मल्टीप्लायर इसे ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट पॉजिटिवली करेगा, थर्ड है ओवरऑल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, हर जगह से अगर कोई गवर्नमेंट किसी प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करती है, कहीं से लोन लेके, किसी से इंटरनली लोन लेके, तो वो इस किसी पर्टिकुलर चीज़ में इन्वेस्टमेंट पब्लिक के लिए करेगी तो वहाँ से ओवरऑल इंक्रीज दिखाई देगा। फोर्थ है नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड इन द फ्यू हैंड्स, किसी लिख लेते हैं नॉट बी किसी पर्टिकुलर इंसान के हाथ में नहीं रहेगा और ये स्प्रेड होता जाएगा, जो पॉजिटिवली इम्पोर्टेंट है मल्टीप्लायर के लिए, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट में ज़रूरी होता है। बस आज के वीडियो में इतना ही, फुली डिटेल में हमने ये कवर किया है मल्टीप्लायर टॉपिक, बस।